नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 84 कोस का क्या महत्व है। 84 कोस जैसे वृंदावन है, मथुरा है, ये सब 84 कोस के अंदर ही आता है। ब्रज भूमि जो है वो 84 कोस में फैली हुई है। मोस्टली लोगों को जब हम लोग बोलते हैं कि 84 कोस की यात्रा आपने की, तो उन लोगों का रिप्लाई होता है कि हाँ, कि वो गिरिराज जी की जो परिक्रमा होती है, गोवर्धन जी की अपनी परिक्रमा करते हैं, तो लोगों को लगता है शायद उसी को 84 कोस की यात्रा बोला जाता है। लेकिन ये नहीं है, गिरिराज जी की परिक्रमा अलग है जो कि 7 कोस की होती है, और 84 कोस की यात्रा अलग है जिसमें काफ़ी समय लगता है। 84 कोस जो ब्रज भूमि जो है वो 84 कोस में फैली हुई है, तो उसमें ब्रज भूमि जो है उसमें हर जगह, अलग अलग जगह पर कृष्ण जी की लीलाएं की हुई है, और आपको वहाँ साक्षात प्रमाण भी मिलेगा 84 कोस की यात्रा में कि हाँ, कृष्ण जी यहाँ रहा करते थे। उनकी एक एक चीज़ देख के आपको, जो विश्वास नहीं करते भगवान में, उनको भी ज़बरदस्ती विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, भगवान धरती पे थे। तो एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों को देना चाहती हूँ, और भी कई बातें हैं जो मैं फिर कभी बताऊँगी। यदि आप 84 कोस की यात्रा जा करते हो या नहीं भी करते हो, तो यदि आप वृंदावन जाते हो तो वृंदावन में एक चीर घाट है जहाँ कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र हरण करके पेड़ पे लटकाए थे, कदम के पेड़ पे लटकाए थे। तो वो पेड़ आज भी वहाँ पे स्थित है। तो और उस पेड़ के पास, जिस जल्दी से लोग बताते नहीं है, ये आपको ही खुद को खोज के जाना होगा। चीरघाट आप बोल लोगे तो कोई भी गाड़ी वाला आपको वहाँ पे ले जाएगा। तो चीरघाट जमुना जी के तट के ठीक किनारे वो पेड़ है। आप किसी से पूछेंगे वो पेड़ कौन सा है जिसपे कृष्ण जी ने वस्त्र हरण किए थे गोपियों के, तो वो लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे है। तो उस पेड़ के आप करीब जाके आप देखिएगा कि पूरे पेड़ पे राधा कृष्ण, श्याम और राम, ये पूरे पेड़ों, पूरे नीचे से लेके ऊपर पेड़ पे हर जगह कहीं राधा लिखा हुआ, कहीं राम लिखा हुआ, कहीं कृष्ण लिखा हुआ है, श्याम मम प्रेम कृष्ण, इस तरह के भी लिखे हुए। और ये मेरी खुद की आंखों से देखा हुआ है, और ये 100% सच बात है। वो 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है, और आप लोग भी जाके देख सकते हो, और बहुत अच्छा फील होगा आपको। वहाँ पे कृष्ण के पाँव के निशान भी मिलेंगे। तो 84 कोस न भी कर सको तो कम से कम एक बार चीरघाट के दर्शन आप जरूर करिएगा, कि साक्षात वो प्रमाण है कि भगवान वहाँ विराजमान थे। बोलते हैं डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए, भजन भी आपने सुना होगा, तो ये बात झूठी नहीं है, सच है। वृंदावन के तो हर पत्तों में भी, पौधों में भी राधा नाम का उच्चारण भी होता है, लिखे हुए भी मिलते हैं। और ये साक्षात प्रमाण है, चिरघाट पे जो वृक्ष है उसको आप जाके देख सकते हो, उस पे राधा नाम, श्याम नाम, राम कृष्ण प्रेम श्याम सब कुछ लिखा हुआ है। गौर से देखिएगा, आपको दिखेगा। और किसी भी बनावटी किसी का लिखा हुआ ने आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये पेड़ से अपने आप निकल के लिखा हुआ है, और आपको विश्वास भी होगा। तो हो सके तो जरूर आप लोग एक बार 84 कोस की यात्रा जरूर करिएगा, क्योंकि 84 कोस की यात्रा नहीं की तो जीवन में आपने कुछ भी नहीं किया। बहुत कुछ है देखने के लिए, मैं फिर बताऊंगी उसकी और भी महिमा है। फिलहाल आप चिरघाट का यदि आपको मन हो तो आप वहाँ जाके जरूर दर्शन करके आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री श्याम।